इस वक्त मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को लेकर घमासान है। ऐसे में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर जिले की बंडा विधानसभा की, जहां भाजपा ने बीरेन सिंह लोधी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो इस विधानसभा में कांग्रेस के विधायक तरवर सिंह का भी टिकट फाइनल नहीं हुआ है। इस विधानसभा में तरवर सिंह लोधी बेहद लोकप्रिय चेहरे हैं, वो किसान के बेटे हैं, साथ ही उन पर जनता भरोसा भी करती है। इस विधानसभा में विकास नहीं हो पाया तो विधायक तरवर सिंह का कहना है कि सरकार हमारी विधानसभा से सौतेलापन जैसा व्यवहार करती है, उनकी सरकार बनेगी। उन्होंने यह दावा किया है, जबकि मंत्री बनने के सवाल पर वो मुस्कुरा दिए। तो देखिए खास बातचीत तरवर सिंह लोधी से। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश में 2023 को लेकर चुनाव बिल्कुल शंखनाद की ओर है और भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद के माध्यम से मध्य प्रदेश में अपना माहौल बनाने के लिए तैयार। 39 टिकट जारी है, उनमें सागर जिले की बंडा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने अभी कोई सूची जारी नहीं की है, लेकिन जो सिटिंग MLA हैं यहाँ के, तरवर सिंह लोधी, आज हम उनसे मुखातिब होंगे। लेकिन एक चीज और बता दें कि फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। 1993 के बाद इस बार ऐसा लग रहा है कि जंग भीषण है, क्योंकि एक ही समाज के शायद दोनों प्रत्याशी यहाँ मैदान में हो सकते हैं। हालांकि समाजवाद और राजनीति से हटके हम अगर कांग्रेस विधायक की बात करें तो विपक्ष में रहकर उन्होंने बखूबी कांग्रेस की विपक्ष की भूमिका अदा की है। साथ ही किसान के बेटे हैं, सरल स्वभाव के हैं और क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय है। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस न्यूज पे। जी नमस्कार। सवाल सिर्फ इतना है कि लोगों में चर्चा है कि जंग भीषण है, लेकिन 5 साल जो तपस्या की है आपने, उससे कितना आशीर्वाद आपको मिलने वाला है? देखिए, पहले तो आज जैसे कि भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है, तो समस्त क्षेत्रवासियों को भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ में हमारे बंडा नगर में आज भगवान श्री लवकुश भगवान जी की आज शोभा यात्रा भी निकाली गई, उनका जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया गया, तो उसकी भी सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और जैसा कि आपने जो आपने खुद बोल दिया कि जो जातिवाद वाली बात आई, तो सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव है, जो चुनाव एक जाति से नहीं होता। और दूसरी बात, इन सालों में जो ये 5 साल हैं, 5 सालों में जो मैं जनता के बीच में रहा हूँ, जनता का जो मुझे प्रेम और स्नेह मिला है, और मैंने जो जनता के बीच में रहकर उनकी छोटी से छोटे से लेकर बड़ी समस्याओं का हल करने का पूरा प्रयास किया है और समस्याएं हल भी करी हैं, और एक आदमी एक परिवार जैसा पूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता से मेरा जुड़ाव बन चुका है। शायद ऐसे कुछ गांव बचे होंगे जहां मैं ना पहुंचा हूं, वरना ऐसे शायद सभी गांव में मेरा आना जाना हुआ और कई बार आना जाना हुआ है, सुख दुख में समस्याओं को लेकर भी, और लगातार जनता का हमसे भी संपर्क बना रहा, क्योंकि मेरा जो रेजिडेंसी में जो निवास है मेरा बंडई में है और कार्यालय भी है, कार्यालय में लोगों का सोमवार बुधवार शुक्रवार और वैसे तो डेली घर पे मिलना होता है, और जो भी समस्या होती हैं तो उनको मैं हल करता रहता हूं। तो मुझे तो ये विश्वास है कि जनता के बीच में जिस प्रकार मैं रहा हूँ, और जनता का जिस प्रकार मैंने एक परिवार के नाते, एक परिवार के सदस्य के नाते मैंने जो सहयोग किया है, तो जनता आशीर्वाद देगी। मतलब आने वाली सरकार में नहीं रहे, विपक्ष में रहे आप, जो खुरई में विकास हुआ, जो रहली में हुआ, जो सुर्खी में हुआ, उससे वंचित रहा बंडा, क्या कमी देखते हैं आपके? अगर आप सरकारों में आते हैं तो क्या यहाँ? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है कि जहाँ उनका विधायक है वहाँ वो विकास कार्य, निर्माण कार्य और राशि वगैरह जो अलग से जो राशि दी जाती है अन्य विभागों के माध्यम से, तो वो सिर्फ जहां उनके भाजपा के विधायक हैं, मंत्री हैं, वहां उनने काम कराया है। ये भेदभाव तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में किया है। जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ स्वास्थ्य जैसी नीतियाँ हैं
उनका भी लाभ। अगर हम बंडा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बंडा विधानसभा क्षेत्र में जो अगर हम मुख्यमंत्री सहायता को राज्य बीमारी सहायता जो होती है जो 2.5 लाख तक का जो सहयोग बीमार लोगों को मिलता है और उसके लिए विधायक का लेटर एस्टीमेट के साथ दिया जाता है अस्पताल के एस्टीमेट के साथ, तो हमारे ऐसे सैकड़ों ऐसे बीमार लोग हैं जिनके हमने एस्टीमेट मंगा कर और हमने अपने लेटर के माध्यम से मुख्यमंत्री सहायता को उसके लिए लेटर वल्लभ भवन भेजे, लेकिन सभी लेटरों को नष्ट कर दिया गया। मतलब ये स्वास्थ्य जैसी सेवाओं को भी जनता को नहीं देना चाहते जहाँ पर कांग्रेस के विधायक, ये भेदभाव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और अगर हम किसानों की बात कहें तो किसानों के साथ ही वही बर्ताव जैसा कि स्वास्थ्य वैसा ही किसानों के साथ अभी कुछ समय पहले हमारे बंडा विधानसभा में जब रबी की फसल लगी थी ओलावृष्टि हुई थी तो बंडा और देवरी को छोड़ दिया गया और बाकी सभी जगह जो मुआवजा जो ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ था किसानों का, ना ही तो बंडा के किसानों को मुआवजा दिया गया ना देवरी के किसानों को। ये मतलब इस तरीके की राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। हम तो ये आपसे पूछेंगे कि अगर आप जीतते हैं और सरकार बनती है तो मंत्री बनने की भी बहुत चांसेस हैं, क्या मतलब क्या देंगे बंडा को? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2018 में पूरे प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के लिए आशीर्वाद दिया था, आदरणीय कमलनाथ जी के लिए आशीर्वाद दिया था और आने वाले समय में 2023 का चुनाव है अभी नवम्बर में होने वाला है, इसमें और बढ़ के कांग्रेस के लिए जनता का समर्थन है और मुझे तो ये लग रहा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में और कांग्रेस के साथ पूरे प्रदेश की पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ेगी। मतलब आप बहुत सीधे सज्जन आदमी हैं और ये छवि जो है पूरे ज़िले में है, लेकिन भाजपा ने भी एक बड़ा दाव खेला है, उनने भी एक शिक्षक को आपके खिलाफ उतारा, वो भी सीधे सच्चे आदमी, उन पर भी जो है कोई ऐसा दाग नहीं है। देखिए इन 5 सालों में पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता नहीं पूरे ज़िले की जनता ने मुझे परख लिया है और भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रत्याशी की बात कहें तो वो भी पहले से राजनीति में रहे हैं, उनके पिताजी भी राजनीति में रहे हैं, सांसद रहे, विधायक, और कुछ अगर उनने कुछ किया होगा तो जनता उनके साथ रहेगी और नहीं किया होगा तो नहीं रहेगी। मतलब एक सवाल और मतलब वाजिब है कि हम तो ये कहेंगे कि बंडा का चुनाव बहुत रोचक होने वाला है और कुछ लोगों की सपोर्ट जो है अंदर से आपको मिल रही है, बिल्कुल स्पष्ट जो है कि भाजपा में बगावत हो, कांग्रेस बिल्कुल बगावत। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2018 में जिस प्रकार जो हमारी कांग्रेस की सरकार के साथ और हमारे जो विधायकों को जबरन दबाव में लाकर खरीद फरोख करके और हमारे विधायकों को अपनी ओर खींच करो जो सरकार गिराने का काम किया है, अब स्थिति ये बन चुकी है जो उन्हीं के जो कार्यकर्ता है, जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो टिकट की लाइन में आते हैं, दायरे में आते हैं, वही लोग उनका नुकसान करेंगे। वैसे कुछ 5 ऐसी चीज़ें बताइए जो बंडा में है नहीं और अगर आप मौका मिलता है तो वो 5 चीज़ें जो है आप यहाँ विकास के तौर पर करेंगे। देखिए एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बंडा और सायगढ़ में एक कोई बड़ा अस्पताल नहीं था, लेकिन वो हमारे प्रयास से हमने प्रयास किया और 50 बिस्तरीय एक सिविल हॉस्पिटल हमारे बंडा नगर में बन रहा है, उसका शुभारंभ हो गया, उसका काम भी लग गया था और शायद आधा काम हो चुका है। लेकिन बहुत सी ऐसी अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सी ऐसी समस्याएँ हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम बंडा नगर में पेयजल की हम व्यवस्था जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, कम से कम बंडा नगर में और सायगढ़ में 4 और 5 दिन में नल आते हैं। एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे बंडा नगर की। दूसरी समस्या हमारे यहाँ अगर हम सायगढ़ की बात करें, बंडा की करें, यहाँ तो कॉलेज हैं, लेकिन अगर हम बराइठा की बात करें, हम बरा की बात करिए जो कस्बा गाँव हैं और इनको नगर पंचायत बन जाना चाहिए था, अभी तक ये नगर पंचायत नहीं बने हैं, लेकिन यहाँ पर कॉलेज दोनों जगह एक एक कॉलेज होना चाहिए। और तीसरी बात, आज अगर शिक्षा की बात कहें, जो अभी सीएम राइज स्कूल
हमारे बंडा के लिए जो दिया गया है, लेकिन उसमें एक सीमित एक संख्या में वहाँ पर दाखिला किया जाता है। तो यहाँ पर एक हायर सेकेंडरी, एक और हायर सेकेंडरी बंडा में भी होना चाहिए, एक हायर सेकेंडरी जो अपने सायगढ़ में है वहाँ पर भी एक सीएम राइज स्कूल होना चाहिए, और भी बहुत सी ऐसी अभी जैसे अगर हम बात कहें बंडा नगर पालिका के दायरे में आती है लेकिन नहीं है, सिर्फ नगर परिषद है, तो ये नगर पालिका होना चाहिए, सायगढ़ भी नगर पालिका होना चाहिए। इसके साथ 5-6 गांव ऐसे हैं, चाहे हम दलपतपुर की बात करें, चाहे हम बराठा की बात करें, चाहे हम हीरापुर की बात कहें, चाहे हम बरा की बात कहें, चाहे हम कनवा की बात कहें, ये जो गाँव कस्बे गाँव हैं ये नगर पंचायत होना चाहिए। और बाकी व्यवस्थाएं धीरे धीरे हो रही हैं, भले हम विपक्ष में हैं लेकिन हमारी लगातार मांग रहती है, जो हमारे क्षेत्र की जो मुख्य एक कुछ प्राकृतिक समस्याओं को लेकर भी हम लोग समय समय पर मांग करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें समय आएगा तो सारी चीज़ें होंगी, और गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायतों में जो अभी तक एक तो राशि जो इस पंचवर्षीय में जो राशि नहीं दी गई, अन्य व्यवस्थाओं में सरकार ने राशि दे दी है लेकिन ग्रामीण विकास के लिए कोई राशि का इंतजाम नहीं किया, तो सबसे पहले तो हमारी सरकार आती है तो ग्राम पंचायतों को भरपूर राशि दी जाएगी जो पहले दी जाती थी, और उन्हें जो ग्राम स्वराज में जो अधिकार दिए गए थे, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि चाहे सरपंच हो, पंच हो, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, जनपद अध्यक्ष हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, उनके लिए जो अधिकार दिए गए वो अधिकार भी हमारी सरकार आने पर दिए जाएंगे। 27% आरक्षण भी ओबीसी के लिए दिया जाएगा, और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये किसानों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, सबसे ज़्यादा किसान गरीब मजदूर के लिए ओपीएस का आपको पता ही है, अधिकारी कर्मचारियों को ओपीएस भी शुरू करी जाएगी, किसानों के लिए 1 हॉर्स पावर से 5 हॉर्स पावर तक का एक सवाल है, बंडा जातिवाद की भेंट चढ़ गया, उससे विकास महरूम रहा, जाति आगे रही विकास पीछे रहा, आप किसे ज़्यादा महत्व देंगे, विकास को या जातिवाद को? देखिए मुझे तो नहीं लगता कि बंडा में जातिवाद है, वो तो लोगों की एक मानसिकता बनी हुई है। बाकी अगर विकास की बात कहें, अगर हमारी 2018 में सरकार बनी थी, ठीक है, मात्र 1 साल चली, 12 महीने 13 महीने 14 महीने, अगर 5 साल सरकार रहती तो भरपूर विकास होता। लेकिन ये विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि आने वाले समय में, क्योंकि इन लोगों तो 18 साल के बाद 19 साल भी हो गए, 18 साल जो इनके रहे, ठीक है, वो 18 नहीं मतलब 2003 में इनकी सरकार बनी थी, ठीक, 18 में इनकी सरकार चली गई, लेकिन ये सरकार इन लोगों ने जो बनाई वो चोरी से सरकार बनाई, ठीक है, लेकिन इन 18 सालों में मतलब आज ना कोई जो पढ़े लिखे युवा जो नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं करी, महंगाई आसमान छू रही है, किसानों को कहते हैं कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे लेकिन दुगनी तो आय नहीं हुई लेकिन लागत जरूर दुगनी ने कर दी, मतलब ये सारी बातें हैं। बंडा में जो बातें हैं कि चुनाव बड़ा भीषण होगा, हम तो ये कहेंगे कि अमन और शांति से चुनाव होना चाहिए, वो भी आपके हैं, आप भी उनके हो, ये भाईचारा रहना चाहिए चुनाव। देखिए हमेशा बंडा का चुनाव है जो एक भाईचारे के साथ हुआ है और आगे भी होगा, क्योंकि जनता जब वोट करती है तो वहाँ कोई देखता नहीं कि वोट किसको दी जा रही है, और जनता जिसको चाह रही है, जनता ने जिसको चाहा जनता उसको वोट करेगी। जनता आपको चाहती बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तलवर सिंह लोधी थे, और हम फिर कहेंगे कि अमन और शांति और बहुत उम्दा तरीके से चुनाव होना चाहिए। एक बात बिल्कुल तय भी है कि किसी ने क्या खूब कहा है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन एक गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो तो शर्मिंदा ना हो। तो जाहिर तौर पर अमन और शांति का ये बंडा है, और अमन ही शांति से चुनाव होना चाहिए। चुनाव में बिल्कुल तय है कि एक तरफ तरवर सिंह लोधी होंगे तो दूसरी तरफ बीरेन सिंह लोधी सामने हैं। चुनाव बड़ा रोचक है, और हम तो ये कहेंगे कि दोनों अपनी ताकत लगाएंगे, जिसको जनता आशीर्वाद देगी वही बंडा का सिकंदर होगा। ब्रह्मदत्त दुबे के साथ अतुल विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बंडा।
अब सागर में भी बढ़ती खेल सुविधाओं के साथ महानगरों की तर्ज पर एक ही कैंपस में बेहतरीन गेम और फिटनेस, जिसमें क्रिकेट, जिम, योगा, बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा, पता सिटी स्टेडियम कैंपस, रविंद्र भवन, बस स्टैंड, सागर।